हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी एक्स टू में और ओप्पो ए नाइन 2020 में। रियलमी की डिस्प्ले है 6.4 इंच की और इसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल और इसमें सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और ओप्पो की डिस्प्ले है 6.5 इंच की और इसका रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल और इसमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले का यूज किया गया है। रियलमी में रैम है 4 GB, 6 GB और 8 GB की और ओप्पो में रैम है 4 GB और 8 GB की। रियलमी की मेमोरी है 64 GB और 128 GB की और ओप्पो में मेमोरी है 128 GB की। रियलमी का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 730G का है। सीपीयू है 2.2 GHz ओक्टा कोर का और उसमें 8 नैनोमीटर है इसका फिनफैट और इसका जीपीयू है 618 का। और ओप्पो का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 665 का है। सीपीयू है 2.0 GHz ओक्टा कोर का और उसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका जीपीयू है 610 का। रियलमी में बढ़िया प्रोसेसर दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोनों का सेम है एंड्रॉयड 9.0 पाई का। रियलमी का बैक कैमरा क्वाड में है 64 MP+, 8 MP+, 2 MP+, 2 MP का है और ओप्पो का बैक कैमरा भी क्वाड में है 48 MP+, 8 MP+, 2 MP+, 2 MP का है। रियलमी का फ्रंट कैमरा 32 MP का है और ओप्पो का फ्रंट कैमरा 16 MP का है। रियलमी में बैटरी है 4000 mAh की और ओप्पो में बैटरी है 5000 mAh की और दोनों में नॉन ड्यूल बैटरी है। दोनों की बैटरी का आप निकाल नहीं सकते। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों फ़ोनों में दिया हुआ है। फेस अनलॉक भी दोनों में ही है और LED फ्लैश लाइट भी दोनों में दी हुई है और कनेक्टिविटी दोनों में 3G और 4G की है। रियलमी का ग्लास है गोरिल्ला का 5 प्रोडक्ट से बना हुआ है और ओप्पो का ग्लास है गोरिल्ला का 3 प्रोडक्ट से बना हुआ है। दोनों फ़ोनों में ही 2 सिम और 7 SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों फ़ोन में वारंटी सेम है 1 साल की। रियलमी में कलर है ब्लू, ग्रीन और वाइट और इसका वेट 182 ग्राम और ओप्पो में कलर है ग्रीन और पर्पल और इसका वेट 195 ग्राम। रियलमी का चार्जर है 30 वाट का और ओप्पो में चार्जर है 10 वाट का और दोनों में टाइप सी का सपोर्ट है और 3.5 mm जैक है। रियलमी का प्राइस है 4 GB और 64 GB का 16,999 रुपये और 6 GB और 128 GB का प्राइस है 18,999 रुपये और 8 GB और 128 GB का प्राइस है 19,999 रुपये। और ओप्पो का प्राइस है 4 GB और 128 GB का 15,990 रुपये और 8 GB और 128 GB का प्राइस है 18,490 रुपये।